दोस्तों आज हम जानेंगे नारियल के औषधीय गुण, सूखे और कच्चे नारियल के स्वास्थ्य लाभ। चलिए डायरेक्ट शुरू करते हैं वीडियो। यदि घुटनों का दर्द महसूस होने लगे तो सूखा नारियल 50 ग्राम रोजाना खाएं। जी हाँ, घुटनों पर नारियल के तेल की जोर दबाव देते हुए रोजाना 15 मिनट तक मालिश करें। मालिश धूप में बैठकर या फिर रात को सोते समय भी करने से अधिक लाभ होगा। त्वचा नारियल का तेल सोखती है, इसलिए देर तक मालिश करते रहें, जिससे तेल त्वचा के अंदर जाते हुए गहराई तक प्रभाव डाले। जहां दर्द अधिक हो वहां मालिश अधिक करें। ऐसा करने से घुटनों के दर्द में जल्द ही आराम होता है। साथ ही नारियल खाएं, इसका पानी भी पी सकते हैं। यह प्रयोग बहुत से रोगियों पर किया गया है और इसे सफल पाया गया है। घुटनों के दर्द वाले से जरूर आजमाएं। नारियल का तेल खाना पकाने के काम में लिया जाता है। नारियल का शुद्ध तेल कच्चा बिना गर्म किया हुआ प्रतिदिन 2 चम्मच पिएं। इसे चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म ठीक रहता है, पाचन शक्ति मजबूत होती है, मोटापा कम होता है, यह थायराइड को ठीक करता है। रासायनिक दृष्टि से नारियल का तेल मक्खन से बहुत कुछ मिलता जुलता है। नारियल में काफी मात्रा में प्रोटीन होता है, इसमें सभी अमीनो अम्ल होते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से नारियल टॉनिक के समान है। नारियल के तेल में नींबू निचोड़ लें और जरा सा कपूर डाल लें। इस तेल की मालिश करने के बाद नहाने से खुजली ठीक हो जाती है, लेकिन साथ में ही खुजली की समस्या हो तो नमक कम मात्रा में खाएं। नारियल खाने से याददाश्त बढ़ती है, इसके लिए नारियल की गिरी में बादाम, अखरोट तथा मिश्री मिलाकर हर रोज खाएं। बच्चों को इसे खिलाना चाहिए, इससे बच्चों का दिमागी विकास होता है। नारियल का पानी दूध पिलाने वाली माँ, गाय और बकरी के दूध के समान होता है। जिन शिशुओं को माता का दूध नहीं मिल पाता है या बहुत कम मिलता है, उन्हें नारियल का पानी पिलाएं। नारियल का पानी पीने से पेट दर्द, हिचकी में भी लाभ होता है। कम नींद आने पर सोते समय नारियल का पानी पीने से नींद गहरी आती है, उठने पर शरीर में ताजगी और स्फूर्ति मिलती है। गर्भावस्था में उल्टी होना, मिट्टी चाक खाने का मन करना, ये सब कैल्शियम की कमी के लक्षण होते हैं। नारियल का पानी पीने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। गर्भस्थ शिशु का पोषण भी अच्छा होता है। एक नारियल के पानी में 4 चम्मच हरे धनिया का पेस्ट मिलाकर पीने से पेशाब की जलन में राहत मिलती है। चेहरे पर पड़ी झुर्रियां, दाग धब्बे, चिचक के दाग, काले धब्बों पर प्रतिदिन 2 बार नारियल के पानी को त्वचा पर लगाएं, जल्द ही लाभ दिखाई देगा। दुबलापन दूर करने में पानी वाला नारियल बहुत ही गुणकारी होता है। इसका तेल खाने और मालिश में प्रयोग करने से शरीर सुडौल और मजबूत होता है। 1 कप नारियल पानी में थोड़ा सा पिसा हुआ जीरा डालकर पीने से गर्मी से लगने वाले दस्त बंद हो जाते हैं। स्तनपान कराने वाली माँ 30 ग्राम नारियल की गिरी प्रतिदिन सेवन करें तो बच्चे को चेचक रोग नहीं होता। दूध नहीं पीने वाले बच्चे 10 ग्राम गिरी प्रतिदिन खाएं तो चेचक से बचाव होता है। दोस्तों, सूखे नारियल, कच्चा नारियल खाने या इसका पानी पीने से कब्ज दूर होती है। नारियल खाने से पसीना कम आता है, प्यास कम लगती है। थोड़ी सी मेहनत करने से ही यदि थकावट हो तो नारियल खाते रहें, इसका पानी पीते रहें, इससे पानी की कमी भी दूर होती है और थकान भी नहीं आती। नारियल के पानी में कार्बोहाइड्रेट, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, वसा, पोटेशियम, कैल्शियम होते हैं, इसके कारण यह अच्छा एनर्जी बूस्टर है। पीलिया रोगियों को भी नारियल का पानी पीने से लाभ होता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे पूरी आशा है कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, फायदेमंद लगी होगी। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों, नारियल के सूखे गिरे नारियल पानी को अपने आहार में जरूर शामिल करें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आपको वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।